द डिफॉर्मिटी ऑन राइट साइड देर इज़ वेरियस डिफॉर्मिटी, जो राइट टांग है वो बाहर की तरफ पूरी रोटेटेड है, बैक अगेन, इनका नी रिप्लेसमेंट हुआ था आपसे 8 साल पहले, लेकिन धीरे धीरे राइट लेग में फिर से दर्द हो गया है और पैर की डिफॉर्मिटी वापस आ गई है. दिस इज़ बिकॉज हर इम्प्लांट इज़ लूज अगेन, हर इम्प्लांट इज़ लूज ऑन राइट साइड, सो दिस इज़ ए फेल्ड इम्प्लांट. जो टिबियल इम्प्लांट है वो पूरा लूज होकर टेढ़ा हो गया, तो उसकी वजह से द डिफॉर्मिटी इज़ बैक अगेन. वॉकिंग में यहाँ पेन है. 48 एंड शी इज फ्रॉम उज़्बेकिस्तान, करेक्ट? विच सिटी इन उज़्बेकिस्तान? ताशकंद. ओके. शी हैड नी रिप्लेसमेंट बोथ साइड्स इन अ डिफरेंट हॉस्पिटल अबाउट 8 years बैक. शी वॉज डूइंग फाइन, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स शी स्टार्टेड हैविंग पेन एंड दिस लेग गॉट डिफॉर्म्ड अगेन एंड नाउ शी इज लिम्पिंग. लेफ्ट साइड इज फाइन बट देर इज पेन ऑन दिस साइड. बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी देर इज शॉर्टनिंग ऑल्सो. If you see, this leg is short. This leg is short. This leg is deformed, and it is painful. Right? Yes. Bend this knee. Good. No problem. Okay. But on this side, it is painful. So when we look at the X-ray, you will find that the tibial implant is tilted. It is. So if we look at this, it is straight, okay? और यहाँ करते हैं तो this is not straight. So it should come here. So it is not straight. ये हम दोनों नी देख रहे हैं. लेफ्ट साइड बिल्कुल ठीक है, राइट में प्रॉब्लम है. तो आप एक्सिस देखेंगे, ये फीमर का एक्सिस है और ये टिबिया का एक्सिस है. लेकिन इसमें आप देखेंगे ये फीमर का एक्सिस है, ये टिबिया का एक्सिस है जो लाइन हमने ड्रॉ किया, और एंगल बन रहा है बाहर की तरफ जो कि गलत है. हुआ क्या है कि इसमें जो इम्प्लांट है जो टिबिया का वो लूज हो गया. अगर आप इसको देखें तो टिबिया का इम्प्लांट यहाँ आ रहा है, टिबिया का इम्प्लांट सेंटर में आना चाहिए. उसका रीज़न ये है कि यहाँ की जो बोन है ये पूरी एब्जॉर्ब हो गई है, लूज हो गया इम्प्लांट यहाँ से, और यहाँ से इम्प्लांट लिफ्ट हो गया. तो टिबिया जो ऐसे होनी चाहिए थी वो टिबिया का इम्प्लांट ऐसे टिल्ट हो गया है, और जो लेग बोन है जो टिबिया है वो ऐसे अंदर की तरफ चली गई है. तो पेशेंट का पैर टेढ़ा भी है, पेशेंट को दर्द भी है, और जितना वजन डालते जाएंगे ये इम्प्लांट उतना टिल्ट होता जाएगा और पैर उतना ही टेढ़ा होता जाएगा. तो अब हमें इसमें इस जो बोन लॉस है इसको भी कंपेंसेट करना है और अलाइनमेंट भी ठीक करना है. तो दोस्तों इस केस में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई है, पेशेंट को दोबारा सर्जरी के लिए क्यों आना पड़ा है, और जब ये प्रॉब्लम हुई तो हमने इसका कैसे सोल्यूशन निकाला, तो हमें समझना है एग्जैक्ट पैथोलॉजी क्या थी और उसके लिए क्या हमने किया ताकि पेशेंट को दोबारा ना आना पड़े. तो मैं आपको समझाता हूँ. तो ये हमने एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया है जिसमें हमने दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड का पिक्चर लिया है. तो इसमें आप देखेंगे कि राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में तो बिल्कुल सेंटर में था हमारा ये इम्प्लांट, बिल्कुल ये टिबिया है, ये फिबुला है, ये हमारे नी जॉइंट का नीचे वाला पार्ट है. जो ऊपर का पार्ट है वो हमने ड्रॉ नहीं किया है. तो दिस इज टिबिया, ये टिबिया बोन है जिसमें हमारी टिबियल प्लेट लगती है, और ये कील, इसको कील कहते हैं. तो ये बिल्कुल सेंटर में जा रहा है, लेकिन राइट साइड में हमने देखा कि वो टिल्ट हो गया है, यानी कि जो टिबियल प्लेट ऐसे हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए थी वो टिल्ट हो गई. क्यों? क्योंकि जो यहाँ बोन थी इधर, ये सारी बोन एब्जॉर्ब हो गई है प्रेशर की वजह से. कई बार बोन बहुत सॉफ्ट होती है और ये जब प्रेशर डलता है बॉडी का, जैसे हमने देखा पेशेंट थोड़ा हैवी वेट है, तो उसकी वजह से ये पूरी प्लेट टिल्ट हो गई है और उससे पैर टेढ़ा हो गया है. तो जब हमने इम्प्लांट निकाला तो हमें इस तरह की सिचुएशन मिली. आप ये देखिए, ऐसे बोन यहाँ तक होनी चाहिए थी, इस तरह से बोन होनी थी, लेकिन ये पूरी बोन यहाँ से खाली है, यहाँ कोई बोन नहीं है. अगर हम फिर से इम्प्लांट लगाएंगे इस तरह से यहाँ पर, तो यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये फिर से टिल्ट हो जाएगी और पेशेंट को फिर सर्जरी के लिए आना पड़ेगा. तो उसका हमने क्या इंतज़ाम किया, हमने क्या किया कि एक तो हमने लंबा स्टेम लगाया, आमतौर पर इतना ही इम्प्लांट होता है, इसके ऊपर हमने कनेक्ट किया एक लॉन्ग स्टेम जिसको नीचे सपोर्ट मिल गई, प्लस ये जो बोन खाली थी यहाँ पर, इस पर हमने लगाए ऑगमेंट, इस तरह से सपोर्ट लगाई हमने मेटल की, एक और दो, ताकि जो खाली जगह थी उसमें हमारे इम्प्लांट को पूरी सपोर्ट मिले, पूरे टिल्ट ना हो. तो ऑगमेंट लगाए हमने यहाँ पर, ऑगमेंट्स कहते हैं इनको, और हमने एक लॉन्ग स्टेम लगाया.
तो ये दो चीज़ें जो हमने की तो एक्सरे पे हम दिखाएंगे अभी आपको, तो अब ये पेशेंट का बिल्कुल पुख्ता काम हो गया है, अब ये कभी टिल्ट नहीं होगा, कभी पेशेंट को पेन नहीं होगा और बार बार सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक्सरे हम देख रहे हैं पेशेंट का सर्जरी के बाद। तो इसमें आप देखेंगे ये हमने लॉन्ग स्टेम यूज़ किया, पूरा यहाँ तक ये स्टेम आ गया टिबिया में और पूरी अच्छी सपोर्ट मिल गई है। नॉर्मली स्टेम यहाँ तक रहता है लेकिन ये इतना हमने जो इतनी लेंथ है ये स्टेम हमने एक्स्ट्रा यूज़ किया, तो इससे हमारे इम्प्लांट को सपोर्ट मिल गई है। दूसरा आप इधर देखेंगे इम्प्लांट यहीं तक है, सिर्फ यहीं तक इम्प्लांट है लेकिन यहाँ तक इम्प्लांट है। दैट मीन्स कि जो ओरिजिनल इम्प्लांट ऐसे होना चाहिए था हमने यहाँ पर दो ऑगमेंट यूज़ किए हैं, वन एंड टू, दो ऑगमेंट्स यूज़ किए हैं। अगर लेटरल व्यू में देखें तो यहाँ भी आप देखेंगे ये आपको कट दिखाई दे रहा है, नॉर्मल इम्प्लांट यहीं तक होता है एंड दिस इज़ द लॉन्ग स्टेम जिससे हमें पूरी सपोर्ट मिल रही है। और ऊपर का इम्प्लांट हमने चेंज नहीं किया, हमने मैचिंग इम्प्लांट डाला नीचे वाला। और अब आप देखिए इसमें ध्यान से, ये फीमर का एक्सिस है और ये है टिबिया का एक्सिस। जो पहले हमारा टिबिया का एक्सिस इस तरह से जा रहा था, एंगल यहाँ बन रहा था, अब वो बिल्कुल यहाँ से लेग हमारी सीधी यहाँ पर आ गई है, तो अब इसमें कोई एंगल नहीं है, दैट मीन्स द लेग इज स्ट्रेट। तो ये रिविजन सर्जरी का ट्रिक है कि इसमें हमें इस तरह से काम करना है कि पेशेंट को दोबारा कभी प्रॉब्लम ना आए। सेंटर ऑफ द एंकल, दिस इज सेंटर ऑफ द नी एंड दिस इज द हिप जॉइंट। नाउ वी विल कनेक्ट देम। और अब आप देखिए कि तीनों ही जो पॉइंट्स हैं एक ही लाइन में हैं। पहले जो हमारी डिफॉर्मिटी थी वो वायरस डिफॉर्मिटी थी, तो ये जो सेंटर ऑफ द नी है वो इस तरफ था, लेकिन अगर अब हम कनेक्ट कर रहे हैं विद एंकल एंड द हिप जॉइंट, नाउ द नी इज इन द सेम लाइन। दैट मीन्स कि हमने डिफॉर्मिटी करेक्ट कर दिया है एंड नाउ द मैकेनिकल एक्सिस स्ट्रेट। अब पेशेंट जब वॉक करेगा तो ये जो पूरा वेट है दैट वेट विल बी ट्रांसफर्ड राइट थ्रू द टिबिया। पहले वो इस तरह से डिफॉर्मिटी थी तो अंदर की तरफ एंगल बढ़ता जा रहा था और इट वॉज वेरी पेनफुल। नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर है, बहुत सालों से ये ऑपरेशन किया जा रहा है और लाखों लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जैसे कि हमने इस केस में देखा, इसमें इम्प्लांट लूज़ हुआ, पेशेंट को पेन हुआ एंड पेशेंट हैज़ कम फॉर ए रिविजन नी रिप्लेसमेंट। चीज़ें ये भी ठीक हो सकती हैं, कुछ भी ख़राब हो, आपका ऑपरेशन ख़राब है, कुछ पेन हो गया है, इम्प्लांट लूज़ हो गया है, एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड। और क्योंकि अब हम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो अब हमारे लिए चीज़ें और भी आसान हो गई हैं और ज़्यादा एक्यूरेट हो गई हैं। इस केस में भी हमने जितने एंगल्स थे वो सारे रोबोटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू मेज़र किए, उनकी असेसमेंट किया, इम्प्लांट साइज़ हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया था, तो उससे क्या होता है कि ऑपरेटिव टाइम बच जाता है। ऑपरेशन के दौरान आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता कि हमें कौन सा साइज़ चाहिए, कोई साइज़ कम तो नहीं रह गया, कुछ मंगाना तो नहीं है, बिकॉज अगर ऑपरेटिव टाइम ज़्यादा होगा तो पेशेंट की ब्लीडिंग ज़्यादा होगी और इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो रोबोटिक टेक्निक से इतनी सारी चीज़ें हमारी पहले से ही अरेंज हो जाती हैं। तो दोस्तों कभी भी अगर आपके किसी सर्जरी में कोई प्रॉब्लम है तो घबराना नहीं है, फिर भी रास्ता निकाला जा सकता है। वी हैव बेस्ट ऑफ द टेक्निक्स, वी हैव बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट एंड वी कैन ऑलवेज गेट यू आउट ऑफ द ट्रबल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।